एवरी वन वेलकम टू मई अनदर वीडियो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप खरीद से होंगे आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत तो ही खूबसूरत और सिंपल सा नेक लाइन का डिज़ाइन मैंने इसकी कटिंग भी आपके साथ शेयर की थी अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जा देख सकते हो इस तरह से देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया था पेस्ट करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसको कटिंग करके बस इतना ही रखा था जो हमारा फोल्डिंग के अंदर आ जाए इस तरह से देखिए देखें फोल्डिंग के अंदर हम रखेंगे इस फैब्रिक को रखने के बाद हमने इस तरह से सारे फैब्रिक को रख के हमने फोल्ड कर लेना है ये देखिए जी यहाँ पे हमारा सारा फोल्ड हो चुका है फैब्रिक फोल्ड होने के बाद जी हमने एक लोब बनानी थी लोब बनाने के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था रेप में इस तरह से ये देखें हमने बहुत ही बारीक सी सिलाई रख रख के इस पर लगा ली थी इस तरह से हमने इसको जो सुई की मदद से इसको सीधा कर लिया था लोब को करने के बाद हमारे पास है ये शर्ट कुर्ती को इस तरह दरमियान में हमने जो आयरन है उसकी मदद से हमने मार्किंग कर लिया था नेक लाइन को भी हमने मार्क कर लिया था दोनों मार्किंग को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे रख के हमने इसको पिनअप कर लेना है ताकि हमारा हिले जुले नहीं आप चाहे तो स्टिचिंग भी दरमियान में लगा सकते हो इस तरह से देखें हम यहाँ पर पिन् हमने लगा दी हैं थ्री पिन मैंने लगाई हैं ताकि बिल्कुल भी ये हिले नहीं तो हम इसके साइड पर स्टिचिंग लगाएँगे तो ये देखें जी हमारे यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने स्टिचिंग लगानी है बुकरम के ऊपर हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी ना आए इससे हमारी जो नेक लाइन है उसकी सिफा उसके ऊपर सफाई भी नहीं आती और बिल्कुल नीटनेस भी नहीं आती तो इस तरह से हम बिल्कुल साथ साथ इसकी सिलाई लगाएंगे यहाँ से हमारी बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई होनी चाहिए तो हमारी नोज़ बहुत अच्छी निकलेंगी यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल जिस तरह से हमारी नेक लाइन कटिंग हुई हुई है उसके साथ साथ हम इस तरह साथ साथ स्टिचिंग लगा लेंगे ये देखिए जी यहाँ पे हमारी यहाँ स्नोक तक स्टिचिंग लग गई है लगाने के बाद जी हमारे पास जो हमने लोब बनाई थी उसको इस तरह से देखें मैंने टू इंचेस रख के इसको कटिंग कर लिया है यहाँ से टू इंचेस रखी है मैंने आप अपने जितना आप रखना चाहते हो इतना आप रख सकते हो यहाँ पे हम स्नोक के नीचे इसको रखेंगे और स्टिच करेंगे ये वाली जो है पिन मैं निकाल के आपको दिखाऊँगी कि इस तरह से ये देखें यहाँ पर हमने इसको रखना है यहाँ पे यहाँ पे हम रखेंगे बिल्कुल नोक के नीचे ताकि एग्जिट इसका नो के नीचे ये आए इस तरह से देखें हम इसको यहाँ पे भी स्टिच कर देंगे बाकी जो नेक लाइन हमारा रह गया है उसको भी इसी तरह से सेम मेथड के साथ हमने स्टिच कर लेना है आप चाहें तो ये जो मैंने लोक नीचे रखे हैं आप इसको किसी जो है सिलाई के साथ या फिर किसी चीज़ के साथ पेस्ट भी कर सकते हो अच्छे से ताकि सिलाई में आपको मुश्किल ना हो पिंस हम उतार लेंगे स्टिचिंग हमारी सारी नेक लाइन की हो गई थी होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दरमियान वाला है वो सेंटर वाले को हम इस तरह से कटिंग करेंगे जो अंदर वाली तरफ जो फैब्रिक है उसको हम थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे ताकि हमारी सिलाइयाँ ना निकलें ये यह देखें यहाँ पे यहाँ सारा हम कटिंग कर लेंगे ये जो हमने यहाँ पे ये यह जो नीचे की तरफ हमारा जो नेक लाइन था उसको भी हम सारे को इस तरह कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद जो हमारी नोक से उनको इस तरह से डीप कट हम लगा लेंगे ताकि हमारी जो है फोल्डिंग अच्छे से हो इस तरह से देखें हमने डीप कट लगा लिए थे आप चाहे तो राउंड शेप में जहाँ पे नेक है वहाँ भी आप लगा सकते हो तो ये जो हमारी नोक्स हैं इनको इस तरह से आराम से हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे अगर आपके पास कोई पेंसिल या फिर जो कोई भी नोकदार चीज़ है उससे आप जो है इन नोक्स को जो है बाकी जो अंदर रह जाती हैं वो निकाल सकते हो आप अच्छे से इस तरह से ये देखें इस तरह से हम सीज़र की मदद से इसको निकाल लेंगे जो बाकी रह गई है निकालने के बाद हमने जी इसको आयरन कर लिया था करने के बाद हम जो है एक पाँव की सिलाई रख के इस पर स्टिच कर लेंगे आ, आप ये देखें इस तरह से हमने इसको स्टिचिंग कर लेना है बिल्कुल एक नोक की सिलाई पे रख के हाफ इंच जो है आप पहले मार्किंग भी कर सकते हो सिलाई लगाने से पहले बहुत ही प्यारी जो है स्टिचिंग लगती है यहाँ पे हुई भी नेक लाइन की और जो हमारी जो से बाद में जो नेक लाइन है वो उसकी सिलाइयाँ भी नहीं निकलती इस सिलाई से तो इस तरह से ये देखें हम इसको जो है सारे नेक लाइन को स्टिच कर लेंगे ये देखिए जी हमारी स्टिचिंग हो गई है सारे नेक लाइन के ऊपर एक टॉक पर तो हमने लोप लगाई थी दूसरी तरफ हम इस तरह से देखें इस बटन को लगाएंगे आप चाहें तो यहाँ कोई भी पर्ल वगैरह भी लगा सकते हो मैंने ये वाला बटन यहाँ पे लगाया है सुई की मदद से हम लगाएंगे इसको दो तीन मरतबा इसको पक्का कर लेंगे हम करने के बाद हमने कट कर लिया है ये हमारा जो है अटैच हो गया है बटन इसके साथ ये देखिए जी लोप के अंदर हमने इसको डाल लिया है और इस तरह से देखें आप हमारा ये ईजी मेथड के साथ बहुत ही गेंट सा जो है नेक लाइन रेडी हो गया है बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पहना हुआ आप साइड पे भी आप देख सकते हो बहुत ही ईजी मेथड के साथ देखें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमारा जो नेक लाइन है वो बन गया है आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये डिज़ाइन मुझे फीडबैक जरूर दिया करें आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो किस तरह की लगती हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगी अल्लाह हाफिज़